नमस्ते, सुगंधास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा पीठा, जो बिहार की ट्रेडिशनल डिश है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये ठंडे के मौसम में बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। सूजी का पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को लिया है। दूध को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए मैं इस दूध को दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और इस चूल्हे पर एक पैन चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को रख दिया। दूध हल्का सा गाढ़ा हो रहा है, गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। और एक पैन में हम ये नारियल है, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो ये सारा नारियल को एक पैन में डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच घी। तो घी को डाल दें और इसी के साथ गुड़ को भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने खजूर वाले गुड़ को लिया है। आप वही गुड़ लें जो दूध में डालने से फटता नहीं हो, वरना आपका जो दूध है फट जाएगा। तो ये नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में और ठंड के मौसम में तो आसानी से मिलता है। तो गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है, गैस को बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा गुड़ है बिल्कुल मेल्ट हो गया है, हल्का सा इसमें पानी जैसा है। तो इसे हाई फ्लेम पर सुखा लें, इसे लगातार चलाते रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसमें का पानी था हल्का सा सूख गया है और गुड़ भी हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो या आप ना चाहें तो इसमें ना डालें। इसके बिना भी जो सूजी का पिठा बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स कर लें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। गैस को लो ही रखेंगे। मैंने यहाँ पे खजूर वाले गुड़ को लिया है। अगर आपके पास नहीं हो या ना मिले तो आप चीनी से भी बना सकते हैं इसे। चीनी से भी आपका जो सूजी का पिठा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। अब एक पैन में हम 1/2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं 1 बाउल के करीब सूजी। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ वाली सूजी को लिया है, आप यहाँ पर कोई भी सूजी को ले सकते हैं। गैस को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकाल देना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा सूजी है भून चुका है। हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी। पानी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा पानी जो है बिल्कुल सूख गया है और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच घी। घी को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। देखिए इसमें 1 गिलास पानी फट से सूख गया। गैस को बिल्कुल लो ही रखेंगे और इसका डो जैसा बना लेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल डो जैसा बन गया है। सूजी हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है, ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है। तब हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो सारे सूजी को निकाल लें। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और एक बर्तन में निकालने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसके डो को बनाएंगे। तो यहाँ हमारा जो है सूजी है हल्का सा ठंडा हो गया है। हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, ज़्यादा घी को नहीं लगाया, और इस तरह मसलते हुए जैसे हम आटा को नॉर्मली गूंथते हैं वैसा ही डो बन जाएगा। तो हमें सूजी को नीड करते हुए डो को बना लेना है, यानी उलट पुलट करते हुए। ये बहुत जल्दी चिकना हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है और यहाँ हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। तो इसके बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इतने बड़े बॉल्स को बनाने के बाद हम इसके इस तरह कटोरी जैसा बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मली सत्तू का पराठा या आलू का पराठा बनाते हैं। तो उसमें स्टफिंग भरने के लिए इस तरह हम बना लेते हैं और इसी में हम स्टफिंग को डाल देंगे। तो आप जितना चाहें स्टफिंग को डाल दें, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा इसमें स्टफिंग नहीं डालें, वरना जो आपका जो सूजी है फट जाएगा तो फिर ये दूध में मिक्स हो जाएगा। तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये खजूर का गुड़ है तो आपका दूध नहीं फटेगा।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया स्टफिंग को, और इस तरह हम सील कर देंगे। सूजी का डो बहुत ही स्पंजी होता है तो ये जल्दी फटता भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे एक बॉल्स बन गए हैं, हाथों से इस तरह प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स को जो बड़ा बनाया है, आप इसके छोटे भी साइज बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं, चाहे जैसे इच्छा हो वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूजी को लिया है, आप चाहे तो चावल का आटा से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन चावल के आटा से थोड़ा सा ये हार्ड होता है। सूजी का आप जब इसका पीठा बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तब सूजी का ये वाला जो पीठा है एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको और ध्यान दिला दूँ कि कोई भी यहाँ पर गुड़ आप नहीं लें, अगर आपका थोड़ा सा भी फट जाएगा तो आपका जो दूध है फट सकता है। यहाँ पे आप खजूर वाले गुड़ लें या ना तो चीनी को लें। यहाँ पर मैंने सारे सूजी को स्टफ कर लिया है, यहाँ पे दो मैं छोटे से बनाई हूँ, और अब हम चलते हैं गैस के पास। तो गैस पे दूध हमारा बॉयल होके बहुत ही गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। इसे मैं बीच बीच में चलाते भी रही थी, और इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब ये इलायची का पाउडर डाल दें, मिक्स कर ले इसे, और इसी में हम डाल देंगे चीनी को भी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी को लिया है, इसमें ज़्यादा चीनी ना डालें, दूध में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी का पीठा जो मैंने बनाया था, उसे डाल दें। सूजी का पीठा बनाते समय बर्तन को थोड़ा सा बड़ा मिले, क्योंकि छोटे में बनेंगे तो फिर आप उसे मिक्स करने में प्रॉब्लम होगा। तो सारे पीठा को मैंने यहाँ डाल दिया है, गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे 5 से 7 मिनट पका लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गया है, गैस को बंद करेंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो सूजी का पीठा बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी बना है। तो मैं इसे काट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सूजी का पीठा बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं।